Thank you, Lord. Thank you, Lord.
叫美国团让我来个哭一个个听一个叫美国团因为我们爱我一个团一个叫战美国团一个团一个地方那我也可以一个团把我们来练一个地方那个团把我们来练一个地方那个团把我们来练一个地方那个团把我们来练一个地方那个团把我们来练一个地方那个团She m a k a boom, shall they he go to her? Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, that she shall go to my Lashim go to my Yakubentaka. You took our place, Lord God, on the cross. And you said it is finished, Lord God. Lakit me la balo, you getting bang, getting stung, getting go to my getting pim, getting closing for all the right of the day.Kami yang lapan dek kutuai Padangkan si kutuai dan tak kui penang Kuri penang kuklai si pun kutuai Kipa melalai alau dek Thank you Lord God Thank you Jesus, thank you Lord Hallelujah Hallelujah Kini kere kesengi Kebau truai ulapan long Bat ngin syat kemen Bat ngin lek kemen haka Amen Amen आज का जो ये दिन है ये परमेश्वर ने बनाया है और वो चाहते हैं कि हम इसमें आनंदित हो मगन हो आमीन I kuble ya pi way kibaran kene ka kajaka bat kumju ru kitu kiba peleng ba ka social media ngai kuble ya pi ka kateng ka bathyang tam ka jong try Jesus Christ आप सभी को मैं स्वागत करना चाहती हूँ और वो लोग जो कि हमारे साथ मीडिया के द्वारा जुड़े हुए हैं उन्हें भी हम स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में ना आई गो यो ब्ले रु ना बिंता कने का पोर हा का बंगला बन येंग बन साम एक कतियन का जोंग हपरेंग जोंगी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप सभी के सामने खड़े हो सकूं परमेश्वर का वचन देने के लिए खुबले शिबोन अपोसल बट कुम जो रुई पास डैनी कि बा आए यहाँ के लात हक बंगन येंग बंगन क्रेन का कतियन का जोंग प्ले मैं हमारे अपोसल और पास्टर डैनी का धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आपके बीच में परमेश्वर का वचन ला सकूँ हकने का स्नी येंग द का जिंगश्लोर बन क्रेने का कतियन का जोंग प्ले अम द का जिंग ला का जोंगा हिनरे दा का बंग तिप ba utrai un besa ya ki mensiem ki jongi kum utau nong ap lang brat और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज ने आज के दिन जो मुझे यहाँ पर खड़ा किया है मुझे मेरे ही बल के अनुसार नहीं लेकिन परमेश्वर आज के दिन मेरे जीवन में जो है कुछ नया काम करने वाला है और साथ ही हम में से हर एक के जीवन में कुंबला ओंग ने दुबस डांग बा का प्रथे क्रिस्तान ब्रोक अवे हकने कसंगी का राखी या कता का गुड फ्राइडे और जैसे कि शुरुआत में कहा गया था कि आज के दिन पूरे संसार गुड फ्राइडे मनाता है बट कलोंग कसंगी हकबंगी लेकमेन या कजिंग याप कजों जीसु क्रिस हकबा उपन पाव नो या कता कजिंग एज कब क्राव कजों उ शंगी किब्रियो और साथ ही आज के दिन लेकिन हमारे लिए आनंद की बात भी है क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह हमारे लिए मरे और वो हमारे लिए एक आनंद की बात हुई नीलोंग कुम ने कुम बंगी लोंग रू कदे नमार का जिंग ईट का बखराव का जो उबले बट कदे रू नमार का ए का बहु जीसु उलादे बंसियुलुत हलोर कदे पना और सिर्फ इतना ही नहीं लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने आज के दिन हमारे लिए हमारे सभी पापों को उठाकर उस क्रूस पर चढ़ा दिया बंगिन खम स्मोथो यकता ngakwa banginya phai na ka tien ka jong blai ka ek ba elder gordon lada ban puli men ne ngin phai shkani ka tien ka jong blai kat kum ka shithi ka jong pol shaki nong room ka lenong ka basan na du ka dekhat ka ba henry ha du ka ba khat wei और इस समय चलिए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और जैसे कि कुछ समय पहले हमारे एल्डर गॉर्डन ने इन वचनों को पहले पढ़ा था उसी तरीके से हम एक बार फिर पढ़े और वो है पॉलस द्वारा रचा गया है एक पत्र रोमी के लिए रोमियो का 5:6-11 नमर उक्रिस मिनबांग इडंग लोंग की बतलत बोर हमार कब ब्यांग का या उला यप यप्ली या कि बिमरियो ब्ले नमार अम जु डन ए उबन यप या उब हॉक हिनरे लेसी डन उबन द नोट वट पन यप या प्ली या उब भास बुन हिनरे उब्ले उपन ईशना या लाक जोंग का जिंग ए छिंगी हा कबा हबांग इरंग लोंग की बपॉप उ क्रिस उला यप या प्ली यंगी ते खम तम शिबोन हबा मिंता ला पिन क्सन यंगी द कस नाम जंग उ अन पिन एम यंगी द उ ना कता का जिंग बितार उब्ले नमार लादा मिन बांग इला लोंग की नोंग शून ला पिन ये सुक नो यंगी बट उब्ले दा का जिंग याप उ खून जंग उ ते खम तम शिबोन हबा ला पिन ये सुक यंगी अन पिन एम यंगी द का जिंग एम जंग उ बट अम तंग कुमता हिन रेंगी स्नोक मेन रो हाउ ब्ले ही द उ ट्राई जंगी उ जीसु क्रिस द उ बा मिन ngila yop dang ya kane ka jing pin yesu
क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम उसको अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र कि मृत्यु का द्वारा के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। कनी करे का टेक्स्ट कबंगिन ये पेज हकनी का सिंगी बार गला आय करते हैं ये कनी का खुबोर कुम कजिंग ये कजोंग ब्ले। और आज के दिन ये मुख्य वचन है जिसे हम जिस पर हम ध्यान देंगे, और आज का विषय जो है वो परमेश्वर का प्रेम है। हबंगी पेन नक तुक दखार क बहन रियो हंगतुंग यो ई कोंग बा उक्रिस उलयाब। और जबकि हम छठे पद में देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि यीशु हमारे लिए मरा। बारो अनंगी गिते बा उक्रिस उलादे बनयाब पलात आर हजार स्नेम मिनशुआ। हमें से हर एक भी इस बात को जानता है कि यीशु मसीह अब से लेकर 2000 साल से भी पहले वो हमारे लिए मरे। बारकनिय का जिंग याब कबंग यो ई ना कने के दुखत कम करन या कता का पोर हेनरेंग यो ई बट नि स्नो थू बा कने का थो या कता का जिंगलोंग का जोंग उब्रियो। और ये जो वचन है दरअसल ये उस समय के विषय में नहीं कहता, लेकिन यहाँ पर दरअसल उस समय के एक मनुष्य के बारे में बताया गया है। हंगनिंग यो ई बा उक्रेस उयाब या किब्रियो की बा कुमनो उयाब या प्ली ना कबिंता किब्रियो की बा कुमनो। और यहाँ पर बताता है कि यीशु मसीह उस समय के किस तरीके के लोगों के लिए वो आके मरे। या किता किब्रियो की बा रेस पा लेने की बा डन कला जो लोग धनी थे या फिर बहुत ज्यादा उनमें गुण थे। हतु उयाब या प्ली ना कबिंता किता की बा हॉक लेने किता की रेव नियम या फिर उन लोगों के लिए मरा जो कि बहुत ही धार्मिक थे कि बा भाने कि बस नियो बहुत ही भले थे या फिर बुरे थे या कि बा कुमनो कि ब्रिय उक्रेस उयाप या प्ली। तो ऐसे किस तरीके के लोग थे जिसके लिए यीशु मसीह आकर मरे। ना कि नहीं कि दुखार कि बिना दे बन पुलिये मिंतान ना दुकर दुखार का बहन रियो और दुकर दुखार का बशिप हो। और अब से लेके यहाँ पर जो हम लोगों ने वचन पढ़ा 6 से लेके 10 तक हंग तुंग यो ई या साउतली की जुबाब कि बा पिन ई शंगी या कता का जिंगलोंग का जोंग की ब्रियो मिन बा उक्रिस उयाब या प्ली ना का बिंता जोंग की। और यहाँ पर उन लोगों के विषय में बताया गया जिनके लिए यीशु मसीह आकर मरे। यो ई है कद खार कब हिन रियो हंग तुक ओंग बा नी लोंग की बा तलत बोर। और यहाँ पर छठे पद में लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों के लिए आकर मरा जो कि भक्तिहीन थे। कबिंता बशदियन जों कतु कदखार कबहिन रियो रुहंग तो कोंग बा नी लोंग की बमरियो प्ले। हम ऐसे लोग थे जो कि भक्तिहीन और निर्बल थे। हकर खार कब फ्राक ओंग बा नी लोंग की बा पॉप। और उसके बाद ये कहता है कि हम ऐसे लोग थे जो कि हम पाप में थे। बारहकर खार कबशी फोक ओंग बा नी लोंग की नोंग शून। और 10वें पद में इस तरीके लिखा है कि हम उनके विरोधी थे। दे हकुम कता का जिंगलोंग का जोंग उब्रियो अ होपलेस कंडीशन ऑफ मैन। और उस समय के जो लोग थे वो इस दशा में पड़े हुए थे, बिल्कुल निराशा से भरे हुए। कता का जिंगलोंग का जोंग उब्रियो को बम ई डॉन कता का जिंग करमेन दे हकुम कता का पोर हमार का या का ब्यांग उ यीशु क्रिस उला वन बट उला याप यापली ना का बिंता जोंगी। और उस समय के लोगों के लिए जो कि निराशा से भरे हुए थे, उस समय के इस तरीके के लोगों के लिए यीशु मसीह संसार में आए और हमारे लिए मरे। उपोल उमर कुमनो हबा उ ओंग बा उ क्रिस उ याप नहा का या का ब्यांग। और पौलुस ने इस प्रकार कहा कि यीशु मसीह बिल्कुल सही समय पर आकर मरे। यहाँ के तो का दुखार का बहन रियो को ओंग हमार का ब्यांग का या उला याप यापली। और यहाँ पर जैसे कि छठे पद में एक बार फिर पढ़ते हैं, वहाँ पर कहता है कि वो सही समय ठीक समय पर मरे। ई हबंगी पेट न कि वे की वे की बिंता जो का कटियन का जो उबले हंग तुंग यो ई हाँ कर कुम न का शीतिश की नों गलतिया का लन्नों का बसाओ का दुखार का बसाओ हदु बसान हंग तो उपोल या थो शंगी बा उबले उला पा या उक्रिस हका या का बदब्यांग।
और यहाँ पर अगर हम साथ ही अगर गलाती का 4 अध्याय उसका 4 से लेकर 5वां पद तक पढ़े तो वहाँ लिखा है कि यीशु मसीह जो है सही समय पर आकर हमारे लिए मरे हबंगी पे यकने का शीतीश कि नों गलतिया कले नों को बसाओ कदु खट को बसाओ दु बसान कोंग हेनरे हबाला जा का या का ब्यांग उब्ले उलाफा यला उकुन या उबला खा ना का ब्रिल या उबला खा हपो का हुकुम खनंग ब अन यो सिउस पानो या किता कि बा हपो का हुकुम बंगिन यो ब्यांग या का जिंग तिंखुन और गलाती 4 अध्याय 4 पद से लेकर 5 ये कहता है परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले इहबांगी ओंग ब उक्रेस उलावन हकया का बब्यांग कपिन पाव बकत का जिंगवान का जोंग उ का लोंग का बिंता पडेंग जोंग बारो की जिंगजा की बजा और उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है कि परमेश्वर का आना यीशु मसीह का आना जो है वो बिल्कुल एक सही समय पर हुआ कबपिन ई बबारो की ए की बजा मिन बरिम ही किता की ए बारो की बा किबा नियो ई की ब्लड जा मिन बरिम की पेट शा कने का जिंजा और यहाँ पर पुराने समय में जितनी भी चीजें हुए उन सभी के विषय में जो है अब वर्तमान में यहाँ पर लिखा है और इसके बाद जितने भी आने वाले समय में जो दुर्घटना घटने भी वाले थे उन सभी घटनाओं में भी जो है हम इन बात में वापस आते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने पुत्र को बिल्कुल सही समय पर भेजा कता का पोर का बंगला दे बनबु हशुआ की पोर बारो कता का या कब ब्यांग और हर एक चीज होने से पहले बिल्कुल एक सही समय पर एक जिंखा या उक्रिस हा बेतलहम कम लोंग कब शुजारिंग खात और यीशु मसीह का जन्म जो बेतलहम में हुआ वो अचानक से हुआ वाला घटना नहीं है बट हब उक्रिस उयाप हलोर का डेंग फना हा कैलवरी रू कम लोंग कता कब खलम जिंगते और जब यीशु मसीह कलवरी पे मारे गए वो भी अचानक से हुआ वाला कार्य नहीं था कजिंगमी पाद कजंग उक्रेस नकी बयाब्रु कम दे कता कबशिजा किंदेत किंदेत लने कब पिलिंगो या उब्ले और जबकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो वो भी कुछ एक अचानक हुआ वाला घटना नहीं है जिसमें अचानक से परमेश्वर को भी संदेह हुआ उनको भी अचानक से वो चौंक गए कि नी की जिंग जा बारो कि जा हकता का पोर कब ब्यांग कि जा हकया कब ब्यांग और ये जितने भी घटना घटे वो सभी बिल्कुल सही समय पर घटे बट हंगने हक शिथि शिकि नोंग रोम क लिन नोंग क बसन क दे यंग इबन स्नो थु बकता क या क बब्यांग क लोंग मिन बा ngidang long kita ki ba tlot bor min ba ngidang long kita ki bam rio khuat ngidang long kita ki ba pop ba ngidang long kita ki nong shun ki jong blay और यहाँ पर जैसे कि हमने रोमी 5वें अध्याय में पढ़ा कि जब यीशु मसीह हमारे लिए आए तो बिल्कुल सही समय था और वो समय कब था जबकि हम निर्बल ही थे जबकि हम भक्तिहीन थे जबकि हम पाप में पड़े हुए थे और उनके विरोधी थे बाले बला ओंग बकनी है कलों का यहाँ कब ब्यांग और क्यों ऐसा कहा जाता है कि ये सही समय था गंगेज कैम बका दाव कब निंकोंग बका नी कलों का तक यहाँ कब ब्यांग कदे नमार बा उब्रिय उड़न हप डेंग कता का जिंग डन कम कब खराव उब्रिय उड़न हक तक अ डीपेस्ट पॉइंट ऑफ नीड और मैं विश्वास करती हूँ सबसे पहला कारण शायद ये रहा होगा कि ये एक ऐसा समय था जबकि लोगों को परमेश्वर की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी बट नमार बा उब्रिय उड़न हप डेंग कुम कता का पोर लड़ा उक्रिस उप हडू बंगिन द लोंग किता की ब्रियो की बभा हडू बंगिन द लोंग किता की ब्रियो की बखलन की बला बनेले परशा या कपोप लनी उन लड़ा उक्रिस उप हडू बंगिन द लोंग की बजाना कमोट हडू मिंतारू उंडंग हप बन अप और ये बात सच है कि अगर यीशु मसीह जो है अगर रुके रहते कि कब मनुष्य अपने मन फिराएगा कब मनुष्य जो है अपने ही आप जो है वो धार्मिक बन जाएगा भला हो जाएगा अगर वो अब तक भी अगर रुके रहते तो शायद वो अब तक भी उन्हें रोके ही रहना पड़ता वो अब तक नहीं आ पाते का जिंग थमू जो का जिंग याप का जो उक्रिस कलोंग बन आय शंगी या कता का जिंग माप ए और परमेश्वर का ये उद्देश्य था कि वो हमें जो है अनुग्रह द्वारा वो बचाए कुंबंग उजीसु लोंग हका गॉस्पल का कुमुलुका इसका लनोंग का बसान का दखोट का बलाइप हुए बट लाइप हुआर और जैसे कि परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है लूका 5 अध्याय उसका 31 से लेके 32
कि बखिया किमदन कम यो नोंग पनखिया हेनरे कि बपंकेन ngam shim la wan ban khot ye ki ba hok henre ye ki ba pop shaka jingkala ka ba mut यीशु ने उनको उत्तर दिया कि वैद्य भले चंगे के लिए नहीं परंतु बीमारी के लिए अवश्य है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। पर कदाओ कब आर बकनिए कलों का तका या कब ब्यांग कलों का दे न मार बा कनिए कलों का जिंग पिन ईशन नानो या का जिंग ईट कब क्राउ का जोंग ब्ले। और दूसरा जो मुझे महसूस होता है वो कारण ये था कि परमेश्वर अपना प्रेम हमारे लिए प्रकट करने के लिए आए। डांग हकने कसनी उबले एक बला ई एलवेन खारशियंग इलाक्रेन शफांग द गॉड हु डेमोंस्ट्रेट्स उता उबले उबपिन ई। और पिछले सप्ताह को जैसे कि एल्डर खारशियंग ने हमारे साथ हमारे बीच में बांटा था कि हमारा परमेश्वर जो है वो प्रेम करने वाले परमेश्वर है। डेरा का जिंग वन याप उक्रिस हलो का डेंग पना उबा उपनिश ना या का तक जिंग ईट का बकराव का जिंग ईट का बकराव तम का जंग उ शंगी। और परमेश्वर यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ाए गए ताकि वो अपना प्रेम हमारे लिए प्रकट कर सके। बार कता का जिंग वन का जंग उ कला लॉन्ग बार कला जा हा का या का बब्यांग का या का बपका। और उनका आना और उनका मृत्यु ये दोनों ही बिल्कुल सही समय पर हुआ। इन पे खम्पन्या मिनता या का तक जिंग लॉन्ग का जंग उब्रियो हबा उक्रिस मिनबा उक्रिस उवन बन्याप यप्ली। और इस समय हम उस पद को देखेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो आपके और हमारे लिए आकर मरा। निंकोंग ए योई बा उब्रियो उलोंग उबतलोत बोर कि सबसे पहले हम देखेंगे कि मनुष्य जो है वो बहुत ही निर्बल था। हकाशीथीश की नोंग रोम कल नोंग बसान का दखोट का बहनरियो इन पुली ब्यांग को ऑंग नमर उक्रिस मिनबा निडंग लोंग की बतलोत बोर। और जैसे कि रोमी 5 अध्याय उसका 6 पद पढ़ेंगे तो क्योंकि जब हम निर्बल ही थे ये कन्या का किंतियन बतलत बोर कमुत बा कि बम डन बोर कि बम खलन लनी कि बशितम। और यहाँ पर जो कि एक निर्बल मनुष्य के विषय में कहा गया यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई बल नहीं या फिर वो किस तरीके की किसी तरीके की मुसीबत में पड़ा हुआ था। कबोर कबंगी क्रन हंगनी कम देहता कबोर में। और यहाँ पर जो बल के विषय में कहता है ये दरअसल शारीरिक बल के विषय में नहीं है। हिनरे कदे कता कबा किंजा मिनसी लेकिन ये आत्मिक विषय में है। नीलों की बतलत बोर बनले प्रशा एक पाप हमारे पास इतना बल नहीं कि हम पाप के विरोध हम लड़े। नीलों की बतलत बोर बनले एक 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 बभा हमारे पास इतना बल नहीं कि हम कोई भी अच्छा काम कर सके। पर नीलों की बतलत बोर कबनया रप या लदी और हमारे पास हम जो है इन सभी बातों में दुर्बल है। नीलों की बतलत बोर हडु बंगिमला बन खलिए यलदी बंगिन कोट शकता का बुरम का बंगिला दोनो। हमारे पास इतना बल नहीं कि हम अपने आप को पूरी तरीके से खाली करके हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। का जिंगमुत जंकने का दुखत का पिन ईबा उब्रे उमला दा का बोर का जंगु बन कला ना का ता जिंगलोंग पॉप। और यहाँ पर ये वचन कहता है कि हम मनुष्य जो है अपने तरीके से वो कोशिश करे भी तो नहीं सफल हो सकता। कपनी ब उब्रे उलंग बतलत बला पिंतलत ये ऊ डा कपॉप। और ये वचन कहता है कि मनुष्य जो है दुर्बल है और उसे दुर्बल किया गया पाप के द्वारा। हकशीथीश कि नोंग एफेसस कलनोंग कब आर कद खट कब सन। और एफेसी पुस्तक 2 अध्याय उसका 5वां पद में अगर पढ़े हंग तो कोंग व्हाट मिन बांग इला लोंग की बयाप तकी जिंग रिंकांग जोंगी उला पिन ई पिन इम लेम यंगी बट उ क्रिस। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें यीशु मसीह के साथ जलाया गया। हंग नी का पिन ई बा डेरा का जिंग आई ए का जोंग क्रिस ला पिन इम यंगी। तुम देखते हैं कि अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। हंगनी कोंग बा मिन बा गिला लोंग की ताकि बयाप हकी ताकि जिंग रिंकांग की जोंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो है दुर्बलता इतना ज्यादा था हमें अनुग्रह के द्वारा बचाया गया। कबमुत बा कुम कता का पोर निमडन कता का जिंग थरंग या उब्ले। और हमारे अंदर जो है ये एक हमारे शक्ति के अनुसार ही हम परमेश्वर के लिए प्यासे भी नहीं हो पाते। कमिनसीम का जोंगी कलंग का बयाप और हमारा आत्मा जो है मानो वो मरा हुआ था। हिनरे डे कुम हाकता का पोर बा उब्ले उपनिम लेम यंगी बट उ क्रिस। और लेकिन उसी समय था कि परमेश्वर ने हमें जो है यीशु से मिलाया। यला यो स्नो मिन्या इ पास डानी इ ओंग बकडन का जिंग ओंग गबो ओंग गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स उब्ले उ या रब या किता की बला बन या रब या लदी। और कुछ लोग इस तरीके से कहते जैसे कि अभी थोड़े समय पहले पास्टर डैनी ने भी कहा था कि लोग कहते हैं कि परमेश्वर उनकी सहायता करते जो अपने आप की सहायता। और
और अगर हम अपने आप की सहायता कर पाते तो हमें सहायता की जरूरत ही नहीं होती। हिनरे के एक बका बाइबल का अंक अंक बा उबले उया रब या किता की बमदन बोर उबले उया रब या किता की बतलत बोर। और परमेश्वर का वचन लेकिन कहता है कि परमेश्वर उनकी सहायता करता है जो कि निर्बल है, जिनका खुद का बल नहीं है। उक्रेस उयाब ना का बिंता जोंगी हा का पोर का बंगी लोंग किता की बतलत बोर। और परमेश्वर यीशु मसीह उस समय हमारे लिए आकर मरे जबकि हम निर्बल थे। कबा आर पद नियो ई और दूसरे पद में हम देखेंगे बा मिन बा उक्रेस उयाब यप्ली नी लोंग किता की ब्रियो की बम ब्रियो ब्ले। और परमेश्वर उस समय हमारे लिए आकर मरे जबकि हम भक्तिहीन थे। हकुम कता का या लने का पोर उक्रेस उलयाप यपली ना का बिंता जोंगी मिनबा निलोंग की बमरियो ब्ले। परमेश्वर उस समय हमारे लिए आकर मरे जबकि हम भक्तिहीन थे। कजिंग लोंग बमरियो ब्ले हंगने का मुद बमदन कता का जिंग बुरम यो ब्ले लने बमदन कता का जिंग माने। और इसका अर्थ ही यह है कि जब हम परमेश्वर को जो है आदर सम्मान नहीं मानते थे। ये कता का जिंग बन लनी का जिंग पिन ई हंगनी कम दे ए अशा फांग कता का जिंग बमन लनी कता का जिंग स्नेव हिनरे का पिन ई या कता का रॉन्ग एटीट्यूड का जोंगी शफांग उब्ले। और यहाँ पर जो है हमारे विषय में बताता है कि हमारा जो है स्वभाव परमेश्वर के प्रति भला नहीं था। ई कुंबांगियो ई न कशी थी शिकी नोंग रोम का लिन नोंग का बनिंग कॉन्ग का दखोट का बार फुवे। और जैसे कि परमेश्वर का वचन रोमी एक अध्याय उसका 21वें पद में पढ़े हम तो कपन ई कता कता का रॉन्ग एटीट्यूड का जोंकी ब्रियो शफांग ब्ले। और यहां पर लोगों का परमेश्वर के प्रति जो व्यवहार था बर्ताव था उसके विषय में बताता है। नमर हबा की लतिप ये उब्ले किम शिमला पिंडन बुरम ये उकुम उब्ले लिमने किम शिमला आएंगो। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। तेके एक बंगियो ई हंगनी कलोंग बा अमतंग बकिता हा निलोंग किता की बतलत हेनरे निलोंग की बमरियो ब्ले। और सिर्फ इतना ही नहीं कि हम दुर्बल थे लेकिन साथ ही हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं हम परमेश्वर का धन्य नहीं कहते थे। कबमुत बा नी इम कुंबा उब्ले उमडन हम इस तरीके से पहले जीते थे जैसे कि मानो परमेश्वर है ही नहीं। नी इम बन नी याद हला का जोंका मन हाँ निम्न सालिया थान या उबले बट या का मन का जंग ऊ। हम ज्यादा सोचते भी नहीं थे कि परमेश्वर की इच्छा के विषय में उनके उनके सम्मान के विषय में सोचते ही नहीं थे। कता का जिंग लोंग बम रे उबले का मुद बा निम थ्रंग बन माने निम थ्रंग बन शक्री लने निम थ्रंग बन पिंडन बुरम या उबले। हमारे पास इस तरीके का वो प्यास ही नहीं था कि हम परमेश्वर की आराधना करें उनकी स्तुति करें उनका सम्मान करें। कता का आदती लुनी कता का जिंगलोंग का जोंगी का लोंग का बम दे। और इस तरीके का बर्ताव हमारे अंदर था जो कि नहीं होना चाहिए था। हिन रे दे हा कुम कता का पोर बा उक्रेस उलावान बट दे कुम हा कता का पोर बा उलावान बन याप यप्ली बट बन पिन एम यंगी। और इस तरीके का समय था जबकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा और हमारे लिए मरे। खनांग बंगिन ला बन जॉब एक ताकि जिंग तुलत की ब्रन का जिंग एम का जोंगी बट खनांग बन ला बन आई पट शिंगी या कता का एटीट्यूड का बदे शपांग उब्ले। सिर्फ हमें हमारे बल से हमारे निर्बलता से हमें बाहर निकालने के लिए नहीं लेकिन साथ ही हमें परमेश्वर के प्रति जो है सम्मान देने के लिए भी। कजिंग लोंग का बलाय जो उब्रियो का लोंग बा उदे उब पॉप। और तीसरा जो विषय है मनुष्य के बारे में कि वो पापी है। नियो एक नेह का दखोर का बफरा को ऑन हेनरे उब्ले उपन ईशना यला का जोंग का जिंग ई छंगी हा का बांगी दंग लोंग की बपॉप उक्रिस उला याप यप्ली यंगी। और जैसे कि रोमी 5 अध्याय उसका 8वां पद में लिखा है परंतु परमेश्वर हम पे अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कनिए का किंतियन बपप कमुत बा निमला बन कोट शकता का स्टैंडर्ड का जो उब्ले निमला बन कोट शकता के एक बा उब्ले उथमु न का बिंता जोंगी। और यहाँ पर जो पाप के विषय में कहा गया है ये दरअसल हमारे विषय में है कि हम जो है हमारे अंदर वो सिद्धांत था ही नहीं हमारे पास वो हमारे पास जीवन शैली ऐसी थी ही नहीं कि हम परमेश्वर के सिद्धांतों पर खड़े उतरे। कपप कपन या खलात इंगी न उबले ये पाप है जिसने हमें परमेश्वर से अलग किया। बट ना नमार कपप निमला बन पिन स्नो भाई उबले। और पाप के द्वारा जो है हम परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। बट दे नमार कपप उम शिमला ला बन पिन सुख इंगी बट उबले। और ये पाप के द्वारा ये है कि हम परमेश्वर से जो है अलग हुए एक साथ नहीं हो पा रहे। के एकता का पाप। और ये पाप क्या है? का पाप कदे एकता का जिंग बम कोंगो कदे एकता का जिंगले परशा का जिंगले बम सिन्यो का जोंगी का जिंगले स्टिंग का जोंगी।
और ये पाप है जिसके कारण हम परमेश्वर के अधीन नहीं हो पाते, उनकी आज्ञा नहीं मान पाते और परमेश्वर को हल्के में लेते हैं। और पाप ये है जिसके कारण हम अपने आप को चुनते हैं परमेश्वर की जगह। और हमारे लिए जरूरी है दरंगी प्रशंग दक बोर का जंगी बंगेन इम हक निनुम ला द ले ले रू एम निनुम ला बन कोट शता हि निन मिस दिया कता का मार्क निनुम ला द कता की जिंग प्रशंग की जंगी द कता की जिंग ले की जंगी। और पाप के द्वारा पाप में जीवन जीते हुए ही हम अपने आप से कोशिश करके भी नहीं जीत सकते पाप के विरोध। न बाबले ककतीन का जो उपले ही कोंग रक्षा की शिथी की नक्षक हा की शिथी शि की नंग रोम का लनंग का बलाय का खोर का अर्फलाय कोंग बा न मार बारो किला ले पॉप बार किला दू लेनो ए या का बुरम का जो उपले। और इसी कारण परमेश्वर का वचन रोमी 3 अध्याय उसका 23 पद कहता है कि इसीलिए सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए मरा। उन्हें उक्रेस उपजनाय और ये परमेश्वर जो महिमा से भरा है उक्रेस उबखलम पॉप उबलंग उताउ खोल लंग ब्रत बतलम जो उबले उन्हें उयाप ना कबिंता जोंगी की बपॉप। और ये परमेश्वर यीशु मसीह जो कि पाप से वंचित था, ये परमेश्वर जो कि परमेश्वर का ये जो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र वो हमारे पापों के लिए आकर मरा। यो ई हका शिथी का बनिंग कांग का जो योनस का लनंग का बसाव का दुखार का बशिफाव हंग तो कांग हका ने का लंग का जिंग ईद अम न बांगी ला ईद मंगी ये ऊ हिन रे न बाउला ईद मा ऊ यंगी बार उला फा ये लाउ खून बन लंग का कुना ना का बिंता की पॉप जोंगी। और जैसे कि पहला योहन्ना 4 अध्याय उसका 10 पद कहता है प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर ने प्रेम किया पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हंगने यो ई बा जीसु उला वन उला याप बट उला लोंग मा उ कता का कुना ना कता का बिंता की पॉप की जोंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह आया वो हमारे लिए मरे और हमारे लिए ही प्रायश्चित भी वो खुद बने। और साथ ही हम देखते हैं परमेश्वर का वचन दूसरा कुरिन्थी का 5वां अध्याय 21 पद हंग तो कोंग न मर या उता उबम शिम लत्तेप या कपॉप उला पिल्लोंग कपॉप ना का बिंता जोंगी खनांग बा एन पिल्लोंग यंगी का हक उबले हाउ। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। उक्रिस हकता का या का बब्यांग उला वन बन याप यपली यंगी ना किता ना का बिंता किता की पॉप की जोंगी खनांग बन पिल्लोंग यंगी किता की बहक हकमत जो उबले। और परमेश्वर एकदम एक सही समय में हमारे लिए आकर मरा और क्यों ताकि वो हमारे लिए धार्मिकता बन जाए। कब साव पर कब यो ई हंगने का लोंग बा उब्रे उलोंग उताउ नोंग शून जो उबले। और चौथा विषय जो है वो ऐसा है कि हम जो इंसान है हम परमेश्वर के विरोधी थे। हकद खोर का बशिफाओ हंग तो कोंग नमर लदा मिन बांग इला लोंग की नोंग शून ला पिनि सुक नो यंगी बा उब्ले दक जिंग याप उ खोन जो उ। और जैसे कि रोमी 5 अध्याय उसका 10 पद में कहता है क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। यो ई हंगने कोंबा नी लोंग किता की नोंगशून। और जैसे यहाँ पर कहा गया है कि हम उनके बैरी या विरोधी थे बनियो ई हंगने बा हा का पॉप कम दे तंग मका कता का जिंग दुना का बंगी दोना का जिंग एम का जोंगी हेनरे कता का जिंग ले परशा का जोंगी यो ब्ले कता का जिंग बम क्वा का जिंग बम थरंग का जोंगी यो ब्ले कता का पेन लोंग यंगी बंगिन लोंग कि नोंग शून कि जोंग ब्ले। और परमेश्वर के विरोधी हम किस तरीके से बने, परमेश्वर का आज्ञा न मानते हुए, परमेश्वर के विरोध में काम करते हुए, उनके प्रति सही सम्मान न देते हुए। कता का जिंग बम क्वा का जुंगी बन ले या का मन का जोंग ब्ले कता का बन पडियांग या कता का जिंग माप ए का जोंग हा का जिंग पिनेम का जोंग ब्ले कता का पिन ई बंगी लोंग किता की नोंग शून की जोंग ब्ले। हम परमेश्वर के विरोधी थे, हम परमेश्वर का आज्ञा न मानना चाहते थे, इस कारण हम परमेश्वर के जो है विरोधी बन बैठे। कंपेयर का नु सी एन यू ओंग बंगी ई यू ब्ले दरांगिम पडियांग या का जिंग पिनेम गिदांग लोंग की नोंग शून की जोंग। फर्क नहीं पड़ता अगर हम अपनी जबान द्वारा कहें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते लेकिन अगर हम अब तक अगर उनके विरोधी बने रहे तो शबार न उजीसु उब्रियो उमदन का जिंकरमेन। और यीशु मसीह के बगैर हमारे पास किसी तरीके की आशा नहीं है। उडन कम यकता का जिंगराब
हमें जो है सहायता की जरूरत है बरकता का जिंगे रब कन वन तंगना उता उबलोंग मऊ उतन राय लने उबलोंग मऊ ता उतलोंग बर उता उदय उब्ले ही और ये सहायता हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह से आ सकता है और वो हमारा परमेश्वर है बट दे हंगनी बंगी यो ई यकता का बाउंडलेस कंपैशन कता का जिंग इसने कबखलम पोट कबखलम बो पोट का जोंग ब्ले शंगी और यहाँ पर हम परमेश्वर के अद्भुत प्रेम के विषय में देखते हैं जो उन्होंने हमारे लिए दे दिया बरकता का जिंग इस नई जो ऊ का पिनी या कता का जिंग ईट का बखराव का बतम या कता की जिंग ईट जो की ब्रियो लने हाँ का पिनी शंगी या कता का जिंग ईट का बखराव का जो उबले और परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए इतना महान है जितना कि इस पूरे संसार में कोई हमसे इतना प्रेम नहीं कर सकता उनका दया हमारे लिए सबसे सबसे ज्यादा है नरंगी पे जाकर दुख और कबे न्यो पर बफरा जो कनी का शिव का शिथी का जो पॉल शिकी नॉन रूम कल नॉन कबसन हंग तुंग यो ई को अंबा नमर अमजु डन ए उबन याप ये प्ली या उबा हॉक हेनरी लेसे डन उबन द नोट व्हाट बन याप ये प्ली या उबा भास बुन हेनरी उब्ले उपन ईशना या ला का जोंग का जिंग ई chingi hakaba habangidang longki bopop u chris ulayap yapli yangi और एक बार फिर अगर हम पढ़े रोमी 5:7-8 पद ये कहता है किसी धर्मी जन के लिए कोई आकर मरे भी या तो दुर्लभ है परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव भी करे परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी ये मसीह हमारे लिए मरा कलों का ए बन याप ना का बिनता क्यों है किसी और के लिए आकर मरना वो बहुत मुश्किल है वट ना का बिनता उभरी उबलुई लुई उबम दे हॉक बन याप और एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही ज्यादा मरने के लिए ही मानो बना है वाला रखा डॉन का पोर हका बंगी निस्गो कुम बंगी नोट बन आई थी ना का बिनता जंग नो की बल्ले भाई लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मरे जिसने हमारे लिए भलाई किया हो बनले कुप्ता का डन काम या का जिंग ईट का बखराव और ऐसा करने के लिए लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रेम की जरूरत है कदन काम या का जिंग ईट का बखराव हंगी बंगिन नोट बंगिन आईटी या लडी ना का बिनता की वे और ये बहुत ही ज्यादा प्रेम की जरूरत होगी अगर हम किसी और के लिए अगर मरना भी चाहे बन गथराय कन खम डन काम का जिंग ईट का बखम खराव पलत पलत लड़ाका डेले ना का बिनता किता की ब्रियो की बा हाँ की बलों की नोंगशून की जोंगी और उससे भी ज्यादा कितना ज्यादा प्रेम की जरूरत होगी उसके लिए मरना जो कि हमारा विरोधी है हिनरेंगियो ई उबले उले यकता लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ऐसा करता है कडिंग फना कम डे तंग कता का जिंग पिन इनो यक जिंग ईट का जोंग क्रिस यंगी और ये जो क्रूस है वो सिर्फ परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति नहीं दर्शाता है का लॉन्ग रू कता का जिंग पिन इनो या कता का जिंग ये का बखराव का जो उबले उकपा लेकिन साथ ही वो परमेश्वर का महान प्रेम के विषय में बताता है उबले उकपा उक्लोय बन फा या लाउ जो उखून जो उ वा मरवे उता उखून उ बा ईट ये जो उ बन याप हलोर का डेंग पना ना का बिंता की पॉप जोंगी और हमारा परमेश्वर वो बहुत ही तुरंत ही उन्होंने अपने एक लौता पुत्र को हमारे लिए भेज दिया ताकि वो आकर हमारे पापों के लिए मरे हबंगी फाय शिकनी की वे पर की बिनता जो कने कद खत नदु का बखंडाय हदु बखत वे और साथ ही अगर दूसरे वचनों में देखिए जैसे कि 9:9-11 बर कुमजु रोहबंगी पे नदु कद खत का बनिंग कोंग हदु कद खत का बसन हंग तुंग यो ई बला पिनलोंग यंगी बंगिन लोंग किता की बपका ननी किता की बालोंग कंप्लीट हाउ क्रिस और रोमी 5:1-5 तक भी पढ़े तो हम देखते हैं कि उसके द्वारा यीशु मसीह के द्वारा हम जो है उनमें पूरे हुए ये वचन ऐसे कहते हैं कि हम अगर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे उनके जो 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 विश, जो, जो यो ईबा हा या के एक बा उक्रेस वाला दे बनले हलो के डिंग पना के एक बा गिंगी लोंग बट यो ईबा हा डाकता के एक बा गिंगी पडियांग ये कता के जिंकन्या के जोंग उ बट या के एक बा उ उलाले यो बन लोंग हा के एक बा गिंगी यो पत न उ के एक जिंग करखू के बा गिंगी यो पत न उ और जब हम देखते हैं क्रूस की ओर और जो कार्य उन्होंने उस क्रूस पर किया है जब हम उन पर विश्वास करते हैं तो हम उनके विश्वास के द्वारा हम उन सभी कामों को उन दया को भी पाते हैं
यो ई बल्लिंग बाग जिंग आई टी जिंग ऊ लपिन क्सन यंगी और उनके इन सभी दानों के द्वारा हम जो है बलवान बने हकद खार का बखंडाय कबिंता का बशखमार कोंग ते खम तम शिबुन हबा मिंता लपिन क्सन यंगी दकस नाम जिंग ऊ और जैसे कि नौवे पद में कहा गया है कि हम सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे हकद खार का बनिंग कोंग रु जोंग कनिक लंडोंग कोंग नमर कता बला पिनक्सन यंगी दक जिंगे और इन्हीं वचनों के पहले पद में कहा गया है कि उन्हीं के द्वारा हमें बलवान बनाया गया है ला पिनक्सन यंगी दक नाम का जोंग यीशु का मुर दक तक जिंगयाप का जोंग उहलो का देंपना बट हबा ngingip dang बट ngingyet hau ngio iba kataru ka pinksan yangi और परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही जो है हम बलवान बन सकते हैं वालांगिला लोंग की तक नोंग पॉप बाला देयंग ये बंगिन शक दुजो और हमारे लिए दरअसल निश्चित था कि हम नर्क में जाए उब्ले लिंग बाकस नाम का जो यीशु उला बन पेचंगी बन पिनबना बंगी लोंग की ताकि बखून और लेकिन अब जो है यीशु मसीह हमारे ओर देखकर वो कह सकता है कि हम जो है धार्मिक बन चुके हैं पवित्र बनाए गए हैं डेनमार्क एक बहु यीशु लदे बन ले हलो का देंपना डेनमार्क का नाम का जो यीशु उ ब्ले यो ईयंगी कुम किता की बम पर शिमल बितगे और जबकि यीशु मसीह परमेश्वर हमारे ऊपर देखता है तो इस तरीके से इतना ज्यादा प्रेम से वो देखते हैं और वो सोचते हैं कि इन हमारे जैसे और कोई नहीं कस नाम का जो यीशु डेलिंग बा का कस नाम का जो यीशु उ ब्ले हवा उ पेचंगी उ मियो यीशु एक तक की पॉप की चोंगी और जबकि हमारे ऊपर यीशु मसीह का लहू वो प्रभु देखता है तो वो हमारे पापों को वो देखता ही नहीं उ यो ई यंगी कुंबा उ यो ई ये लाउ जोंग खून किता की बक हक पर किता की बजनाए और जब भी परमेश्वर हमें देखता है तो वो हमें हम में जो है अपने पुत्र को देखता है यानी कि इस ऐसे मनुष्य को जो कि बहुत ही ज्यादा महिमा से भरा हुआ है कब आर पडे कब यो ई हां के ए कब यो लिंग बा का जिंग आई टी का जो क्रिस कलोंबा ला पिन एम यंगी ना कता का जिंग पितर और दूसरा विषय हमें इस तरीके से देखेंगे कि हमें जो है उस क्रोध के समय से हमें बचा लिया गया है कबिंता कब शिडियन जंग तो कद खर कब खंदाय को ओंग अनपिनिम यंगी दाउ ना कता का जिंग बितार उब्ले और नौवे पद के अंत में इस तरीके से कहा गया है कि हमें क्यों न वो क्रोध से बचाए नमार बंगी लोंग हाउ क्रिस लाया दायंगी ना कता का जिंग बितार का जो उब्ले और यीशु मसीह के द्वारा हमने जो है क्रोध से भी हमने क्षमा पाया है उ यीशु उलादे अपन सीलत यकता का डोर बट दे उ यीशु उबला क्वेंज उबला पिंजानो यकता का जिंग बितार का जो उब्ले ना कि तू कि बला नेत हाउ और यीशु मसीह ने हमारे जगह पर हमारे स्थान में आकर हमारे लिए उन सभी कामों को पूरा कर दिया यहां तक कि परमेश्वर का क्रोध को भी परमेश्वर ने शांत कर दिया यो ई का गॉस्पल का जो योहन्नेस का लंग का बलाय का खोर का बलाय पुन रियो और इस समय हम योहन्ना तीसरा अध्याय देखेंगे उसका 36 पद उता उबंगे हाउ खून उदन का जिंग एम बम जिकुत उता ते उबम कोंगो यो खून अन अम यो ई का जिंग एम हेनरे का जिंग बितार जो उब्ले का याइसा हलो जोंग उ जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है परंतु जो पुत्र का पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा परंतु परमेश्वर के क्रोध उस पर रहती है ये डकटा का जिंग एक जोंगी हो कोन डकटा का जिंग पडंग का जोंगी यो यीशु का जिंग एम का जोंगी नियो ईबा कटा का जिंग बितार का जोंग उब्ले कमियाय साशु हंगी और हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के कारण है कि अब परमेश्वर का क्रोध हमारे पर नहीं भड़कता बनियो ई बदकस नाम उ यीशु निम लोंग शो किता की खून का जिंग बितार और परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जो है अब क्रोध के लिए नहीं है यह कशी थी कि नोंग एफेसस कल नोंग का आर का खोर का आर का बलाय हम तो कोंग बा नीला जु लोंग न कतन राय की खून का जिंग बितार और एफेसी 2 का 3 पद कहता है कि हम जो है पहले ये क्रोध के संतान थे नीला लोंग नीला जु लोंग किता की खून का जिंग बितार हेनरे न मार्क एक बहु क्रिस्ट उला ले हलो का देंपना न मार्क नाम का जोंगु कता का जिंग बितार का जोंग ब्ले ला पिंजानो ही निम लोंग शो किता की खून जोंग का जिंग बितार हेनरे नीला मात या कता के का जिंग पिन एम का जोंग ब्ले पहले हम जबकि क्रोध के संतान ही थे लेकिन जबकि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी हमारे लिए अपने लहू को बहाया तो उसके बाद से अब जो है हम क्रोध के लिए क्रोध के संतान न रहे कब लाए पर कब यो ई नंगे ही के एक बंगी लोंग कलोंग बा ला पिन यसुक यंगी बट उब्ले
और तीसरा विषय जो हम देखेंगे वो ये है कि यीशु मसीह के द्वारा हम में और परमेश्वर के बीच में जो एक शांति बन गई है और दसवें पद में रोमी 5 का 10वें पद में कहता है क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ कबमोट बदा कता जिंग याप क जों उ उला शिम नो यंगी किता की बलोंग की नोंग शून की जों उ बार उला खत यंगी मंगिन लोंग किता की परलोक की जों उ और अब जबकि यीशु मसीह के द्वारा जबकि हम पहले उनके विरोधी बने हुए थे लेकिन यीशु मसीह के द्वारा अब हम उनके दोस्त बन गए ला वलम यंगी इश्क तक जिंगे दे बट उब्ले को मुखपा बट लकी जों की खून और अब हमारा रिश्ता संबंध परमेश्वर की तरह के साथ इस तरीके से हो गया मानो पिता और पुत्र का ला वलम यंगी इश जानु ब्ले लिंग बा का दक तक नाम का जों यीशु और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ मेल किया गया नदु की पोर मेंबरम उब्रे उथरंग उब्रे उक्वा बनवान और पुराने समय से ही मनुष्य जो है हमेशा परमेश्वर के नजदीक आना चाहता था और इसी कारण मनुष्य जो है अपने बलियों को लेकर आता था परमेश्वर के पास और हमेशा परमेश्वर के दरबार में जो है वो बलि लेकर आते थे के एक बकस नाम जों की तो की मरात कमला बंदे कस नाम का जो यीशु कला ले ना का बिंता जोंगी और जो कुछ भी उस पशु का लहू नहीं कर पाता था वो सभी यीशु मसीह के लहू ने कर दिखाया यो ई हक सिथी शि की हेब्रू कल नंग का बशिपो का दु खर का बखत वे हदु खत सा हंग तो हबंगी पुले ngin yo iba kong ba u jisu tang ka we ka jingknya na mar ka pop junom u jisu la depan siulut hi la depan siulut tang da ka ta ka we ka jingknya na ka benta kita ki pop junom और जैसे कि अगर हम हिब्रू इब्रानी का 10वां अध्याय उसका 11 से लेकर 14 पद तक पढ़े तो वहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया कि यीशु मसीह ने हम सभी के पाप को उठा लिया और उनका जो बलि है वो एक बार के लिए सदा हर एक पीढ़ी के लिए काफी है और उन्हीं के बलि चढ़ाए जाने के द्वारा अब परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो गया है और जैसे कि पहला पद में कहा गया था कि हमारा जो मेल है परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा हुआ है कब साव पर कबंगियो ई हंगनिंग का एक बंगिंगी योल ने का एक बंगिंगी लोंग ही लिंग बा का तक जिंग आईटी का जो क्रिस का लोंग बा ला पिन एम यंगी दा का जिंग एम चंग ओ और चौथा विषय जो कि हमने यीशु मसीह के द्वारा पाया उनके उनके मरने के और उनके पुनरुत्थान के द्वारा हुआ है और वो ये है कि हम यीशु मसीह में लपिन एम यंगी डाकता का जिंग एम का जोंग हमें जो है यीशु मसीह के द्वारा जलाया गया हकर खर का बशी पाओ का बिंता का बशी दियन कॉंग ते खम तम शिबून हबला पिन यसुक यंगी अन पिन एम यंगी डाका जिंग एम जोंग और ये रोमी 5वां अध्याय 10 पद के आखिर में कहा गया है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन दिया गया है किन्हीं की किंती इनकी यथोशंगी बाउ जीसु एम बा नमार बा ऊ एम निदन कता का सिक्योरिटी निदन कता का जिंग स्नोस कैम कुम किता की बंगेट निदन कता का जिंग स्नोस कैम हा कता का जिंगेट का जोंगी और ये वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है कि यीशु मसीह जीवित है और उनके जीवन के द्वारा हमारे पास भी यह आश्वासन है कि हम भी जी उठेंगे अनमदन का नूक नूर कबला बनवान हपरिंग जोंगी बट उब्ले और हम में से कोई भी ऐसा है आज के दिन अनमदन का नूक नूक कबला बनवान हपरिंग जोंगी बट उब्ले न मारबले उ यीशु उ येंग न का बिंता जोंगी कुम उता उ रियु साथ बट उ येंग कुम उता उ नोंग या साथ जोंगी और ये आज के दिन मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारे बीच में आज के दिन एक ऐसा मनुष्य की तरह खड़ा है जो कि हमारे लिए एक बलि के रूप में खड़ा है यो ई हका हका शिथी को बनिंग कोंग योनेस कल नोंग का आर का दखर का बनिंग कोंग हम तो कोंग बा उलंग मो उता उनोंग यस उता उ रियो सा जोंगी ही इज आवर एडवोकेट और पहले योहन्ना 2 दूसरे अध्याय का पहला पद जो है वो बताता है कि यीशु मसीह हमारे लिए जो है एक सहायक के रूप में खड़ा है बनियो ई है कशी थी शि कि नोंग हेब्रू कलन नोंग का बन्यो कर खर का आर फुसान हंग तो का पनीबा उमा ऊ उलोंग उता उबिया सात ना का बिंता जोंगी और जैसे इब्रानी 7 अध्याय उसका 25वां पद कहता है कि यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता वो हमारे सहायक के रूप में खड़ा है ही हबाला मुडोई प्रशा यंगी
और कोई भी हमारे विरोध खड़ा नहीं हो सकता। उजीसुयंग बट लेसे उपनी यकता किकती की ब्ल मंग की जंगु बट उय थु ओशोकपा यके एक बंगिलोंग की तकी खून की जंगु बट गथरा हक कम कता कपोर उब्ले उवेंग नो यकता की जिंग मुडोई परशा यंगी। और जब भी कोई हमारे विरोध में अगर खड़ा भी होता है तो यीशु मसीह अपने हथेलियों को उनके छेदों को दिखाता है कि ये हम जो है यीशु मसीह के हैं, और तब जाकर हमारे विरोध जो भी हमारे खिलाफ खड़े हैं तो उनके उनसे जो है परमेश्वर हमें बचाता है। पर उजीसुर उया साज नका बिनता जोंगी उडवाए नका बिनता जोंगी। और हमारा परमेश्वर जो हमारा सहायक है वो हमारे लिए प्रार्थना और विनती भी करता है। कत बंगी रंग याद करने का लंती हरू बंगी डब पौई शा हाँ शकता का जाकब नेंग। और उस समय तक वो हमारे लिए प्रार्थना करता है जब तक कि हम उस स्थान पर न पहुंचे जहां पर वो हमें चाहता है। उडंग या साथ बट उंडंग या ये साथ नका बिनता जोंगी। वो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना और विनती करता जा रहा है। नियो ई बला पिंडप यंगी रका जिंकमैन। हम देखते हैं कि हमारे लिए जो वो आनंद से भर गए हैं। और 11वें पद में अगर हम देखें हम तो कोंग बट अम तंग कुमता हिनरेंगी स्नोकमैन रू हाउ ब्लेही द उत्राई जोंगी उजीसु क्रिस्ट। और केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। ही नमार बला पिन एम यंगी क्योंकि हमें उन्होंने जलाया है। नमार बंगी डोन कता का जिंग स्नोस खेमा कता का जिंग पिन एम। और क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा आनंदित है कि हम जीवित हो जीवित हो और यही जो है हमारे मन में एक उत्साह ले आता है। लेसे कुम की बंगे निया लिंगबाशी पुन की जिंग ए की जिंग ले का जिंग एम का जोंगी बर निस गो को बंगेम डन डाउ बन या रो यो ब्ले। और हो सकता है कि एक विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में कई सारे कठिनाई आते हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें हमारे पास कोई कारण ही नहीं कि हम परमेश्वर की आराधना करें। हिन रेंगा को बन ओंगशिंगी लारांगी ला मात या का जिंग पिनम कता का लोंग का डाउ को बखराउ बंगिन यरो बट बंगिन स्नोकमैन। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आज के दिन आपने जो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव किया है तो वो कारण काफी है कि परमेश्वर को स्तुति उनकी आराधना करने के लिए। और साथ ही यीशु मसीह का जी उठना जो है उनका मृत्यु जो है वो हमारे लिए परमेश्वर की ओर हमें लेकर आता है। हबंगी पेट के दुखार कब आर कशी थी कि नंग रोम कल नंग बसान के दुखार कब आर को दा उरु निला यो ये के जिंग लंप्रंग दा कता के जिंगे शपो के निये के जिंग आई ए हा कबांगी ये येंग। और रोमी 5 अध्याय उसका 2 पद कहता है जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। कता का जिंग खांग कबला खांग नो ये की ब्रियो नो उबले अम शिमला खांग शो। और जो कि एक दरवाजा परमेश्वर ने खोला है तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। ये कपप कपन या खलाद या उब्रियो नो उबले का जिंग खांग कला खांग हिनरेंग यो ई बकता का जिंग खांग कबला खांग या उब्रियो ना उबले अम शिमला खांग शु। और हम देखते हैं कि जैसे कि पाप ने हमारे बीच में हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया था जो दरवाजा बंद हो चुका था अब परमेश्वर ने उसे खोला है तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता। यो ई हका टेंपल का डन कता का जका हका बंगी खोर का होली ऑफ होलीज कता का जका कबा खो नगी बा खो तम। और मंदिर में हम देखते हैं कि एक अति पवित्र स्थान है और वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परमेश्वर वास करते हैं और उस जगह को जो है पर्दे से बंद किया जाता है और सिर्फ महायाजक ही है जो कि उस स्थान पर अंदर जा सकता है। बट उरुरा उला बन रुंग तंग शिसिन शिसनेम बन लेज बन आय यकता जिंकन्या हकता स्नी जो जिंकुक। और वो भी सिर्फ पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन उस जगह पर अंदर प्रवेश कर सकता था। उपज बा उमला बन रुंगशता और जितने भी मनुष्य थे वो कोई भी अंदर नहीं जा सकते। हिनरे हबा उक्रिस उयाप हलोर का डेंगपना। लेकिन जबकि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए का जिंका जो का टेंपल लकात अरलियांग नादु ज्रोंग हदुत बियान तो उसके बाद मंदिर का जो पर्दा था वो ऊपर से लेकर नीचे तक 2 टुकड़े हो गए थे उसके। न्यो ई कि ने करकोम का गॉस्पल का जो मैथियस का लेनोंग बा आर्भन्यो का दखत बसन पुवे का गॉस्पल करकोम मार्कस का लेनोंग बा खत्सन लाइपोप्रा बा का गॉस्पल का जो लुकास का लेनोंग बा आर्पुलाय बा साउपुसन। और ये वचन जो है मत्ती में लिखा गया है मत्ती 27:51 मार्कस 15:38 लूका 23:45 न्यो ई बकता का जिंका लकात अरलियांग
और हम देखते हैं कि वो जो पर्दा है वो दो टुकड़ों में बट गया था और ये वो रास्ता दिखाता है हमें परमेश्वर की ओर बट मिनता बारो गिला बनियो मात इकता कि जिंग मिनतोय कि बंगी शम हक जिंग डन क जोंग ब्ले और अब हम भी उस बात उस विषय में जो है हम भाग ले सकते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं नियो बन मात इक जिंग आई ए नियो बन मात इक जिंग मेन नियो बन मात इक जिंग सुक नियो बन मात इक जिंग ए नियो बन मात इक जिंग करमेन बर कुमता तेर तेर और परमेश्वर की ओर से जो उनका अनुग्रह है उनकी दया है उनका प्रेम है इन सभी को अब हम अनुभव कर सकते हैं बट दे नमारकता निलाबन इथु यो ब्ले रु पर्सनली निलाबन इथु यो ब्ले मरमेट मरमेट और इसी कारण हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में हम उन्हें पहचान सकते हैं उनसे प्रेम कर सकते हैं निलाबन लेट शू बन ये थू शू ये कि जिंग अंगनोर की जोंगी बन ये थू शू ये कि जिंग तलत की जोंगी ये कि जिंग ए ये कि जिंग ए शम की जोंगी अब हम उनके पास जा सकते हैं और उनके साथ बातें कर सकते हैं उन्हें बता सकते हैं अपने जीवन के कठिनाइयों के विषय में अपने जीवन के कष्टों के विषय में निलाबन लेट शू ने जिंग श्लोर बन पान ये कि जिंग रब नऊ बर बन पान ऊ ये कि बोर और अब हम उत्साहित होकर हम परमेश्वर की ओर जा सकते हैं और उनसे बल मांग सकते हैं और अब हम किसी भी समय में उनके पास जा सकते हैं We gain access to his grace. और अब हम उनकी महिमा को पा सकते हैं और सिर्फ इस कारण क्योंकि यीशु मसीह ने जो कार्य किए उस क्रूस के ऊपर उब्लेमिंता उमशंगशो अक टेंपल बथाउ रकि ती कि जोंकि ब्रियो हेनरे उशंगसा हपो जोगी द उमिनसियम बकोन और अब परमेश्वर जो है मंदिर में नहीं रहता लेकिन वो अब हमारे मनों में रहता है बट क डेंपना क पिनलोंग पॉसिबल यकता और ये क्रूस ही है जिसने ये कार्य को पूरा किया है कब हिन्यो उपरे कब यु ईबा क डेंपना रो क पिनलोंग पॉसिबल यंगी बंगिन डन बिनता हकता क जिंग करमेन क बुरम और ये सातवें में हम देखते हैं कि ये क्रूस ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर में आशा रख सकते हैं और रोमी पांचवा अध्याय उसका 2-4 इस तरीके से कहता है जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करे यहाँ यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खड़े निकलने से आशा उत्पन्न होती है कनिया का मुद बाला आय शिंगी का जिंकरमैन कंपेयर के एक बन जाएंगी का बुरम जो उबले कन सिंशार बट इन मात यका और इन वचनों के द्वारा हम समझते हैं कि परमेश्वर ने हमारी आशा परमेश्वर में हमारी आशा है फर्क नहीं पड़ता कि हम किस तरीके की परिस्थिति से होकर जाते लेकिन परमेश्वर से हमें आशा है गिला यो ई ने कक्तियन का जो उबले हमने परमेश्वर के वचन से देखा है यकता का कंडीशन का जोंगी हा मिनबा उक्रिस वन बन याप हमारा ऐसा दशा जबकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए आकर मरा निलोंग की बतलात निलोंग की बम रियो ब्ले निलोंग की बपॉप निलोंग की नोंग शोन की जो ब्ले हम कमजोर थे हम भक्तिहीन थे हम पाप में पड़े हुए थे और उनके विरोधी थे उब्रे उमला बन या रब यलदी उब्रे उमला बन खले यलदी बन पोई शकता का बुरम का ब्ले उखत ये उ मनुष्य हमें सहायता नहीं कर सकता कोई मनुष्य अपने आप परमेश्वर के सिद्धांतों पर खड़ा नहीं उतर सकता बट दे हकुम का तक पोर दे हकुम का तक या हकबा उब्रे उमला बन पिनेम यलदी दे हकुम का तक पोर उ क्रिस उलावन और लेकिन इस समय में जबकि मनुष्य अपने आप से खड़ा नहीं हो सकता अपने आप को जिला नहीं सकता उस समय था कि यीशु मसीह हमारे लिए आकर मरा उबले उपन ई ये कतक जिंग ई एक बखराव को जंग उशंगी और परमेश्वर अपने प्रेम को महान प्रेम को हमारे प्रति दर्शाता है बदे हबंगी पडंग ये कतक जिंग क्या का जंग उ दे हबंगी पडंग ये कतक एक बउ क्रिस उ ले हलो का डिंपना नियो ई ये कतक जिंग करखू कबंगी यो बन मात
और जबकि हम परमेश्वर के उस कार्य को जो उन्होंने क्रूस पर किया, उस बलि को जब हम स्वीकार करते हैं, यो ई बल अपन सन्यंगी उपले उब यो ईशु एक तक की पॉप की जोंगी हिनरे यो ई यंगी बंगी लोंग की तक की बजना है पर की बा हक हक मत जोंगु। तो तब परमेश्वर जो है हमें और कमजोर नहीं देखता और दुर्बल नहीं देखता, लेकिन अब वो हमें बलवान देखता है यीशु मसीह के द्वारा। यो ई बो उपले उवेंग नो एक तक जिंग बितार का जोंगु नंगी। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे अपने क्रोध को हटा दिया है, लपिन ये सुख यंगी पर उबले हमारा परमेश्वर के साथ मेल कर दिया है। और हमारा जो विश्वास है परमेश्वर के प्रति और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। नमार बाउ यीशु एम, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। और हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर में जो है वो आनंद से भर गया है। और अगर यीशु मसीह के बलिदान को अगर हम स्वीकार करें तो हम परमेश्वर को अपने नजदीक अपने सबसे करीबी संबंधों में पाएंगे। और हमारे अंदर वो आनंद होगा, वो आशा होगा जो कि सर्वदा के लिए है। और जब हम इन सभी बातों को देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर ने कितना बहुमूल्य काम किया है। हाँ, सच में उन्होंने किया है। जिंग करखू की जो कि खम खराव ही बन यक तक एक एक बंगी गिला बन मुद लने के एक एक बंगी गिला बन प्रखान। और उनका जो प्रेम है हमारे प्रति वो इतना ज्यादा है कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बर हलोर की निकी जिंग शीशा की बंगला बन पेज। और इन सभी सच्चाइयों को जो आज के दिन हमने देखा है तुम इन यद यल अडिये, तो चलिए हम अपने आप को जांचें। हंग नुंगी येंग बट नी डन बट उब्ले हकनी कसंगी, हम आज के दिन परमेश्वर में उनके साथ कहाँ खड़े हैं। हतुंगी ला मात एक जंग पिनेम, क्या हमने जीवन को पाया है। लेसी यो डन की ब्रंकनी का जाका लेसी फिमपत मात एक जंग पिनेम लनी की तू की बपे लिंगबा हाँ की सोशल मीडिया लेसी फिमपत मात एक तक जंग पिनेम। और हो सकता है कि आप आज के दिन कहीं पर भी क्यों ना हो, चाहे जो मीडिया के द्वारा हमें देख क्यों ना रहे हो, अगर आपने अब तक अगर यीशु मसीह का जीवन को अनुभव नहीं किया, अगर आपने आज तक जो है यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, आपने उन बातों के विषय में सोचा ही नहीं, उन सभी कार्यों के लिए जो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए किया, मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखना चाहती हूँ कि आज के दिन आप क्या सोचते हैं। ओ यीशु लंग खून जंग उब्ले, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, बार वो एम यक जिंग एम का बचाना है, और वो ऐसे जीवन में जी उठा है। वो यीशु उलंग तंग मा वो ही कता का लिंटी शा उबले नमादे तंग मा वो बला बन सच यक पॉप की जोंगी। और सिर्फ यीशु मसीह ही वो राह है और उन्हीं के द्वारा हम जी सकते हैं, क्योंकि वो ही हमारे सभी पापों को धोकर शुद्ध कर सकता है। वो यीशु याम नक बिंता जोंगा बट जोंग थी, यीशु मसीह हमारे और आपके लिए आकर मरा। हो हेनरे का जिंग शीशा कलोंग बा कंपत बियांग तंग यो यीशु बन याप के एक बदन कम कलोंग नक नक लियांग का जोंगी हका बंगिन पडियांग निन एडमिट बंगिन लोंग कि तक नोंग पॉप बट बंगिन पडियांग यो यीशु हका जिंग एम का जोंगी। तो आज के दिन हमारे लिए समय है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और उनसे मांगे क्या, और अपने जीवन को उनके हाथों में सौंपे। उबले उखत स्नो भाय फी है कने कसंगी, परमेश्वर आज के दिन आपको बुलाता है। फिन लोंग की बला खापत बट फिन मा एक जिंग एक का जो उबले कुंबा फिन पत जुमा मिन्नो मिन्नो रु, अगर आप स्वीकार करते हैं तो आज के दिन आप उनके जीवन उनके द्वारा ऐसी चीजों को अनुभव करेंगे जो कि आपने पहले कभी न की। उबले उन थे नो बुक यार यार या कता का जिंग एज का जोंग हक डाउनलोड की जोंग भी द उमेंसियम बखोज, परमेश्वर अपने प्रेम को आपके अंदर में इस प्रकार डाल देगा अपने पवित्र आत्मा द्वारा। पडियांग यो यीशु क्राइस्ट को मुनंग पेन एमु जोंग भी हक ने कसंगी, यीशु मसीह को आज के दिन आप अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। नक बिनता जोंगी की बंगेज, और खासकर जो आज के दिन जो विश्वासी जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, यदि हतुंगी जन शोब्ले कुंबंगी देवन लॉन्ग, चलिए हम अपने आप को जांचें कि क्या हम परमेश्वर के साथ इतना नजदीकी संबंध है जैसा कि होना चाहिए। हतुंगी ये जो उड़क तक जिंग एम का जोंगी बारो, क्या हम अपने पूरे जीवन से हम उन्हें उनसे प्रेम करते हैं कि हिन मन की पारा की जोंगा उबले उड़े बन डप यक डाउनलोड का जोंगी,
मेरे भाई और बहनों हमारा परमेश्वर में प्रेम से भर रहा है लदा कि ए के ए कि ला क्राउड हिम आउट ऑफ आवर लाइव्स लदा कि ए के ए कि बंगिंग ले कि ला खिन्यत नो यो उशा बान का जिंगम का जोंगी अगर ऐसा कोई भी चीज है जो कि परमेश्वर को हम हमसे दूर कर रहा है या फिर ऐसा कोई भी कार्य है जो हम कर रहे हैं जिसके द्वारा यीशु मसीह या फिर उनका उपस्थिति हमसे दूर जा रहा है भलेंगे शायउ ब उन वन बनपन खोनो एक तक की क्लत बनपन खोनो एक तक की जपो की जखलिया कि ब्रह का जिंगम का जोंगी बार बंगिन शायउ ब उन शिम यक तक जका कब दे क जोंउ हक जिंगम का जोंगी क्यों ना आज के दिन उन सभी चीजों को हम अपने आप से दूर कर दे और यीशु मसीह को उस स्थान को दे जो कि उनका है लेसे डन पटना प्रेंग जोंगी नि को अब ने थू शे उ कट नुंगी ए जे उ बर नि स्गो मो ये उ न मार के ए कब उलले और हो सकता है कि हम में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो कि हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हुए हैं हम भर गए हैं धन्यवाद धन्यवादी हृदय से तो इन शिम ये कने का पोर बन ले खुमता तो आज के दिन चलिए इस समय को इस मौके को ले ना इनवाइट ए पास्टर डैनी बडन हपरिंग जोंगी बाय इन वन बन्या लमिंगी है कि निकी चिंग दुआई और मैं निवेदन करती हूँ पास्टर डैनी को कि जो हमारे बीच में है वो आगे आए और हमें प्रार्थना में ले चले हालेलुया कुंभ फिला यसो बारो कक्तिन जुंगले कौन कुमने श्री योंग पोर सिनोंग रूम शिफोल नोंग दखत कबाब खंदाई बात शिफो कौन कुमने श्वावन पुली किनी कौन नखवाब नोंग कुमने लदादन हबंगिले चियोंग ई किबोन की सबोन किबोन की सर्फ किबोन की के हिंदई कमशु खुत के यो तन कमन शिम नोंग कम के गिवन पन खुत kalong gumtaru phila yesong ke bu try su la le akjim jungi nakamta jungi ki ban ki ba pop la le not baro ndai la da ngim shim ka donu jungi ngan sapule ni gini khot menta da ngim le akamta kamlong automatic kanum long automatic kanum suja la ka ja don kam mang haban le ye मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि ये सोचिए आप जब अपने घर पे जाते हैं तो कई प्रकार के आपके पास साबुन होंगे या फिर धोने वाले वस्तु होंगे लेकिन फिर जब आप उन साबुन को देखते हैं तो अचानक से उनके द्वारा जो है आपका घर साफ नहीं हो जाएगा आपको उन्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपका घर साफ हो जाए उसी तरीके से यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठाने के लिए हर एक कार्य को पूरा कर दिया है लेकिन अब काम हमारा है कि हम उन्हें अपने जीवन में स्वीकार करें या नहीं But ladam and plash na dalaka shintur yo jisu ba ulong utrai but men nget ha ka halaka dot not ba ublei ulapen mi pat ye une ki bayap an pen em ya me namar da ka dot not ken ubre u nget yakaban yo ek hok but da ka shintur ken ba plash na ban yo yakajing pen em hallelujah और जैसे कि रोमी 10 अध्याय उसका 9 पद कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा 10 क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है pimpat ju khat kar pat yu jisu hagajim jong phi phila ban yang ne gasngi ngine duai nam ta jong phi और अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि अब तक आपने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है तो आप प्रार्थना आप खड़े हो सकते हैं हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए कने कदे कराए कबदन कम तम कब खराव तम हगजिंग हम जोंग फी ये एक ऐसा निर्णय है जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कबलेशी बोन धन्यवाद dan shu mano mano bala bani yang ke ba phim pat ju mano mano ro phim pat ju khat kar pat yu jisu ha ge jim jong phi manong utrai wo nong phim jong phi kya aap me se koi aur aisa hai jisne ab tak yesu masi ko swikar nahi kiya hai apne jeevan mein udhar karta ke roop mein mai is kam ki to ba pe lamba ka youtube lada phi sung tho ba phi dan kam yu utrai jisu la de phi sung tho ba phi long ki nong pop ka mala batai na du mane but phim la ban pini mi la di ka ni ka long ka khlemat ka kong san ha jim jong phi pidang yu try ji sung ani alam menta ban duai lang pila ban duai hang tu ka ka bi song pila ban duai ban pidang yu try ji sung ko mu try ban pini jong phi और जितने लोग YouTube के द्वारा हमें देख रहे हैं आप भी जहाँ पर है अगर अब तक आपने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है और आप करना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ प्रार्थना कीजिएगा इन्हें इबायंग मंता इलावन दुआई लंग बतगी मैं प्रियंग यूत्रा जीसु को मुत्रा बनो पनीम जोई और ये जो भाई आज हमारे बीच में खड़े हुए हैं वो हमारे साथ प्रार्थना करेंगे ताकि वो यीशु मसीह को स्वीकार करें डम मन दुआई लंग मन ये डम लंग ने को पोर
bat gitu ki ba ko ampri ang tra jisu kin pen bot ye kedik jing duai na din jonga और जितने लोग चाहते हैं आप सभी हमारे साथ सर झुकाकर प्रार्थना करें और जो लोग स्वीकार करना चाहते हैं आप हमारे पीछे इस प्रार्थना को दोहराए त्राय यीशु प्रभु यीशु जो मैं तेरे पास आता हूँ मैंने सुना है जो मैं तेरे वचन से बाकुमनो कि किस तरीके से मेलावन तू आया मन पावेला का जो जिंग और अपने प्रेम को दर्शाया हवा में शाह जबकि तू आकर क्रूस की मौत पर भी मौत को स्वीकार किया और मेरे लिए मरा नलोंग नोंग पाप हाँ मैं पापी हूँ नलोंग नोंग शून जोंग मैं तेरा विरोधी हूँ नामला मन पनीम दाना ये ले दिए मैं अपने आप को नहीं जला सकता किसी ले जोंग आप बारो किलोंगी वापर शाय में मेरे हर एक काम तेरे विरोध में ही है हकने कसकी लेकिन आज के दिन मैं समझता हूँ मामला अपन पे नहीं मिला दिए कि मैं अपने आप को नहीं जला सकता मामला प्रशंग ने की बोर कर जोंगा और मैं अपने सामर्थ द्वारा चाहे कोशिश भी कर लूँ मामला अपन पे नहीं मिला दिए लेकिन मैं कर नहीं सकता हगने का स्की लेकिन आज के दिन त्राय यीशु प्रभु यीशु मैं और स्नाओ मैंने सुना ये है ये जो मैं कि तेरे प्रेम के विषय में मैंने सुना है तुमने मेरा यप नमता जोंगा किस तरीके से तू मेरे लिए मरा उस क्रूस पर मेरा शाक जिंगे आपको मशहूर कही ऐसी मौत मरा जो कि बहुत ही भयानक थी और क्योंकि तू प्रेम करता है यीशु प्रभु यीशु मैंने अपने आप को सौंपता हूँ मैं आज के दिन तुझे अपने आप को सौंपता हूँ ताकि तू मेरा उद्धार करता मेरा जीवन देने वाला मेरे हृदय से लोग उतराए बोलो सीएम जोगा मेरा उद्धार करता और मेरा राजा बन जा मदन डू मंटा कसकी और आज के दिन से नमदन ब्लेशो और कोई मेरा परमेश्वर नहीं नमदन शो मनो मनो लन्नो तंग में कोई मेरा परमेश्वर नहीं सिर्फ तू तंग हक जी एम जोगा और मेरे जीवन में राज यीशु प्रभु यीशु आएंगो इमे मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ नाम जो मैं और तेरे लहू द्वारा लस्सा जी की पॉप चुंगा बारो मेरे हर एक पाप को धोकर शुद्ध कर परनलोंग और मैं जानता हूँ बखूज अगले कसनी और मुझे आज के दिन पवित्र बना राज यीशु प्रभु यीशु आएंगो मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मुझे जिलाया है आज के दिन हालेलुया हालेलुया तकने को पॉइंट ले बंगिन यंग लंग ने को पॉइंट बंगिन आएंगो यू ट्राई के वो ट्राई वाला ले के जिम चुगी पन्ना कमेंटा इतु गिन गिन साइ यू शुड बी और समय चलिए हम सभी खड़े होकर हम प्रार्थना करें और ये भाई जो आज के दिन उन्होंने परमेश्वर को स्वीकार किया उनके लिए भी नमता जों फी गितु के बड़ा लंबा के यूट्यूब फिला फिला हाइंग जों फी लेने हकन उनो बा फी डन फिला पडियांग यू ट्राई छु फिला फिला बनबोट ये कने के जिंग दुआई तब नो नो मंता सी कते जों ले कोंग बा कट गितु के बड़ा प्रेंग यू ट्राई यीशु बट की ब्लंग नेट कते जों ला आई बोर की बट लोंग की खून की जों ब्ले फिलोंग की खून की जों ब्ले नदु मंता सी और जितने भी लोग आज के दिन हमें YouTube के द्वारा देख रहे हैं आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आज के दिन जो है आपको ये अवसर दिया है आपको आज के दिन जो है उनका संतान बुलाया है हालेलुया त्राई आइंगो इमे का त्राई नंगम तक जिंगे बा ग जोंग मे का त्राई मेन बागे नंग लोंग नंग पॉप को त्राई ब्ले जोंग त्राई कि बमला बन पने मेला दे कि बर्थडे बन ले छु जोक कुम कता का त्राई का जिंग लोंग जोंग का लोंग को त्राई हन रे मे वन बन यप यप प्लीन नमता जोंग बन शा कलोर का जिंग का जिंग का जिंग पन शी तम का जिंग पन शी तम बन हलो का डिंग पना बमन शिम या कता का जिंग या पक पॉप जोंग पारो हलो जोंग मे बट को त्राई ब्ले जोंग त्राई नि आई ngo इ मे का नि का सिंग आई ngo इ मे का त्राई नमर मे एट जोंग मे एट जोंग मे एट पलट जोंग हदो कता कता बमन आई टीनो या का जिंग जिंग एम नमता जोंग ब जोंग यंग पारो त्राई हग ने का पोर नि आई ngo इ मे का त्राई शीशा का त्राई निलोंग गीता की बला पटियांग सोभा दो उबले निलोंग गीता की बखो जों हकमर जों उबले पाकिस्तान का पॉप जों इला सत का स्टाम जों में अपले जों आ त्राई न्याय गु इमे का त्राई न्याय का बुरम बरो से में का त्राई त्राई यीशु बड़ी गीतु बरो की बा दुआई के जिंग दुआई के सी का त्राई ना दुआई का त्राई अपले जों त्राई बा का त्राई में आ जिंग कजिंग कजिंग सुख जिंग कमन का दोनों जों की पर कता का जिंग कजिंग किसी कमेंट जो कुछ भी एम कमा किन्हीं और पटियांग के देखा सी का तुराई हमारे ना दो में ताका सी कि लालों की खून की जोग में का तुराई हाके ने का पौर का तुराई तुराई आई गो इमें आई का बुरम बरो शमे का तुराई ये आई तंग का जिंग ये रोग जिंग मनी तंग शमे का तुराई पर तुराई ने का पौर शब्द की खून जो में का तुराई किन मी ने का जगा का तुराई तुराई शो आई गो इमें शो आई का बुरम शमे का तुराई पर तो आई का जिंग बाजु में उपले पा जिंग आई ए जो में तुराई जी सुख जिंग बोर जो में सेम को आई बिकिनी बरो लाइक इन डोंट कट बट नी हगने का पोर अनि क्लेमार बर गिरु को कलंग सरोंग सतलक गबर थे कि बखत कर पार कर तें जो जीसु नादो मंता पर जे बम बम जुक रु आमेन आमेन आमेन